रो रहे हैं, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी, मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। ये खेल हो रहा था, क्या हो रहा था? हाँ, जैसे सब जगह वो हो रहा था। नहीं, वो नहीं हो रहा। जैसे अच्छा, वो नहीं हो रहा है। वो पवित्र आत्मा का काम है, ये खेल है। अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा से उसी के साथ है जो बिलीव करते हैं उसमें, या उनके एक्सिस्टेंस के अलावा नहीं है? वो वीडियो में क्या हो रहा था? वो बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं, वो सरेआम बोलते हैं। वंडरफुल स्टेज में है, जैसे मैं प्राची के फोरहेड पर टच करूंगा इनकी पूरी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी, पैरों का कंट्रोल एकदम चला जाएगा। लुक एट मी, लुक एट मी, व्हाट्स योर नेम? बोल पा रहे हो? बोलने लोग उत्सुक है ये मंत्र जानने के लिए कि ऐसा क्या किया इसने। आपसे कितने लोगों को लगा एक गाने का एक टुकड़ा मुखड़ा, और आपसे कितने लोगों को लगा था ये बहुत ही पावरफुल कोई मंत्र है? करते हैं किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी भगवान में विश्वास करते हैं? अगर भी नेचर है, मुझे दिख रहा है उसीलिए मैं, इसीलिए लॉजिक मेरा वो है विश्वास का। और किसी चीज पे नहीं करते? किसी चीज पे नहीं करते। आपने हाथ में डोरा बांधा हुआ, किस चीज का बांधा हुआ? अरे ये तो मैंने फैशन के लिए थोड़ा बांध दिया, और ये आजकल मैं गिफ्ट भी करता हूं। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग रोहित, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, बट आई एम सॉरी, पब्लिक को पागल बनाने के लिए मैंने ये फैशन से बांध लिया। अरे मैंने अपने इतने फ्रेंड्स को गिफ्ट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बट ये मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैंने कोई पूजा नहीं करी, कुछ नहीं करा, ये मैंने सीधा दे दिया प्रमाण। पर मैं आपको दूसरे लेवल पे लेके चाहता हूं। अब ये मैंने मोंगा पहना हुआ है, किसी भी लेवल पे ले जाओ। अब ये मैंने मोंगा पहना हुआ है, सुनिए, अब ये विश्वास है कि आप अंधविश्वास है मेरे से? ये भी अंधविश्वास है आपका? ये मेरा विश्वास नहीं है, किसी और का विश्वास है। तुम पहले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय सनातन। और आज का जो वीडियो है वो मैं रिएक्शन के रूप में लेके आया हूँ न्यूज नेशन यूट्यूब चैनल से। और यहाँ पर जो वीडियो का टॉपिक है कि हजारों लोगों के सामने मुड़दे हुए जिंदा, लाइव टीवी चमत्कार उड़ा देगा आपके होश। क्योंकि अक्सर ये होता है दोस्तों कि जो हमारे समाज में साधु बाबा हैं जो चमत्कार करते हैं, उनका तो मजाक हर कोई उड़ाता है, लेकिन किसी पादरी का, किसी मुल्ला मौलवी का जो मजाक हमारे देश में अगर कोई उड़ा दे तो कहा जाता है कि भैया ये तो आपने बहुत गलत कर दिया, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। आपको भी पता है कि क्रिश्चियनिटी ने हमारे देश में जितना कन्वर्जन करा है और आज कर रहे हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बनाकर और अंधविश्वास में डालकर ये लोग जो है वो उनका रिलीजन परिवर्तन करवा रहे हैं। तो वीडियो लगाता हूं जल्दी से स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जरूर दिखेगा। वीडियो के एंड में अपने व्यू, अपने विचार में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर कर लीजिए। करने की कोशिश दिख रही है, देखिए मेरी स्टेटमेंट पॉलिश करने की नहीं है, आप जस्टिफाई कर रहे हो सर। इन्होंने कहा ना, पोप का एग्जांपल दिया डॉक्टर कपिल ने, पोप का एग्जांपल दिया, बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल मैं उनकी बात से, ये उन्होंने कहा कि उनको अथॉराइटीज है और ये सब चीजें है कि वहां क्यों नहीं भेज देते, और उनका फेथ बिल्कुल है, हमसे ज्यादा फेथ होगा उनका, हम मानते हैं इस बात को। पर परमेश्वर का जैसा भी फादर सोलोमन जी ने कहा, वो हर एक का फेथ और विश्वास जो स्वयं पर भी हासिल किया जा सकता है चंगाई, है ना। अगर उन्होंने कहा कि पोप का विश्वास है, और पोप अगर इतनी एक लंबी आयु को जी रहे हैं तो वो विश्वास से इतनी लंबी आयु को जी रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष है, और अगर कहीं खाया पिया हो तो 80, और अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो कहीं अधिक, वो उससे कहीं अधिक में है। तो ये परमेश्वर की दया है, और ये शरीर जो है ये पंचतत्व से बना है, इसमें तो ये सब चीजें लगी रहेंगी, बीमारी भी होगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, परेशानियां भी होंगी, मगर विश्वास से ही जीवित हैं और विश्वास से ही चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर उनको आज बीमारी है तो वो उस विश्वास से ही ठीक है, नहीं तो ना जाने कितने समय में प्राप्त हो जाते हैं। फादर दिनेश, फिर बाइबल में ये कहां पर लिखा है कि शरीर पंच तत्व से बना हुआ है? अभी ये जो फादर हैं इन्होंने कहा कि शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि शरीर पंच तत्व से बना हुआ है? ये क्वेश्चन है। देखिए विश्वास के साथ भी जो है ना फर्क हो गया ना, विश्वास की मार्केटिंग हो जाती है। अब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं देखा ये पता नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर ऐसे बहुत काला बाजारी करने वाले लोग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। अभी उन्होंने कहा ना कि पैसे की फिर क्या जरूरत है, चंदा लेने की क्या जरूरत है, फंडिंग की क्या जरूरत है, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो चल रही है, इसको आप विश्वास के साथ मत जोड़िए। विश्वास में अंधविश्वास फैला के विश्वास को जोड़ा जा रहा है। आपकी इस बात से सहमत हूं कि मार्केटिंग चल रही है, नो डाउट, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मत हो, सब में मार्केटिंग है, और यहां भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि
नहीं होगी, नहीं हो सकती है, क्यों हो गया? सबने आपने कहा कि है, और यहाँ क्रिश्चियन धर्म पे जो आपके साथ हो रहा है उस पे हो सकती है, क्यों आ गया? उस पे भी स्ट्रेट लाइन बोलिए ना, यहाँ भी हो रही है मार्केटिंग। और जनता का मैं न्याय नहीं हूँ, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं किसी मैं आपको एक वीडियो और दिखा देता हूँ, नहीं अभी बहुत सारे प्रूफ लेकर आया, एक वीडियो देख लीजिए फिर स्टेटमेंट रख लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट 30 सेकंड दीजिए, बोलिए 30 सेकंड बोलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता और दूसरे की आंख का तिनका देखने चला जाता, मैं कैसे कह दूं वहां पर मार्केटिंग है? मैं नहीं कहूंगा मार्केटिंग, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो फिर ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे जो बिल्कुल प्रमोट जो लाखों की भीड़ वहां पहुंचती है। और मैं कह रहा हूं ना, ये जो माइंड हीलिंग का काम है, चंगाई मिलेगी। डॉक्टर आप ये प्लीज बताइए, उनके पास वो हीलिंग पावर है कि नहीं है? वेरी सिंपल, क्या वो लोग जो आ रहे हैं उनको हील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, अगर आपने पोप की बात करी, पोप के पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उनको आप कह रहे हैं वो फेथ पे जी रहे हैं। पोप के पास जितने आप प्राइम मिनिस्टर्स देख लीजिए, प्रेसिडेंट्स देख लीजिए, आप रोनाल्ड रेगन को देख लीजिए अमेरिका में, हर आप देखेंगे वो सब 90+ है, क्योंकि सबके पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है। अगर आप उनको कह के फेथ के सहारे आप छोड़ दीजिए तो शायद वो 60-65 साल से वो भी ऑन द हायर साइड उनके ऊपर होगी। औषधि, रेवलेशन 22 अध्याय उसमें लिखा हो औषधि यानी मेडिसिन। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, जहां तक मैंने बाइबल पढ़ी है, आई माइट बी रॉन्ग, आपको ज्यादा पता है, दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। यही बोला था जीसस क्राइस्ट ने, ही वाज द सन ऑफ गॉड, ही नेवर क्लेम टू बी गॉड। पर यहां पे तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो सन ऑफ गॉड थे उनकी पावर उनके पास है और अब वो हील करने चले हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप नहीं, ये सामने दिख रहा है कि वो मार्केटिंग हो रही है, सामने दिख रहे लोग हैं, सामने दिख रहा है क्या क्या तमाशा हो रहा है, और आप कह रहे हैं आज के जमाने में व्हेन यू कैन सी इट लाइव ऑन टीवी कि ये चीज नहीं हो रही, लोग विश्वास से आ रहे हैं। नहीं सर, यही तो दिक्कत है, लोग गुमराह होके आ रहे हैं, लोग गुमराह होके आ रहे हैं। गुमराह और विश्वास में फर्क होता है। एक वीडियो देखिए फादर, एक सेकंड डॉक्टर कपिल, एक वीडियो और दिखाते हैं। गुमराह होना और विश्वास में कितना फर्क हो जाता है ये समझ में आ जाएगा कि एक स्वघोषित प्रोफेसर बजेंद्र सिंह का चमत्कार। मैं फिर कह रहा हूं कि साइंस शायद इन बातों को बिल्कुल भी तार्किक ना माने। एक वीडियो और दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें तो ये क्लेम किया जा रहा है कि उसकी बहन बोल नहीं पाती थी, लेकिन सो कॉल फादर के पास, बिशप के पास आने के बाद वो बोलने लगी। एक वीडियो और, राजस्थान के श्री, एक सेकंड सर, राजस्थान के श्री गंगानगर में सभा करने वाले चमत्कार चर्च ऑफ जीजस में कथित जो बिशप है वो अमरदीप है, ये भूत प्रेत वाला चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, ये भूत प्रेत टच करते हैं, देन आफ्टर द रिएक्शंस, फादर स्टेनली ये क्या है? ओके, there are a lot of issues in the whole story. Okay, now there is something called possession, which is a very strongly understood term in Christian philosophy, Christian theology. ठीक है, मतलब possession, जिसकी आत्मा का असर किसी ऊपर आना सर्वसाधारण, लेकिन उसी चीज को प्रभु यीशु के नाम से चंगा करना भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में विश्वास की बात होती है। अगर ये सारे चीज़ें, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर किसी अपने निजी फायदा के लिए और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए चीज़ को कर रहे हैं तो मैं इससे सहमत नहीं। और आप देखेंगे, मैं कैथोलिक चर्च से हूँ, हम वीर ओल्ड एस्टैब्लिश चर्चेस, तो आप नहीं देखेंगे हमारे चर्चों में इसी तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं देखेंगे। यही पॉइंट और जो लोग नए विश्वास लेकर आते हैं, आई सी जो भी पंजाब में हो रहे हैं इसी तरह की चीज़ें, मैं ज़्यादातर अफ्रीका के तरफ देखता हूँ, जहाँ पर पीपल जो ज़्यादा वल्नरेबल है, और मैं देख रहा हूँ हमारे गाँवों में भी लोग बहुत ही वल्नरेबल है, और जो लोग आएंगे मेरे से प्रभुवचन सुनने के लिए आएंगे बोलेंगे हाँ फादर स्टैनली के पास गया तो कोई चमत्कार नहीं होता, तो बजेंद्र साहब के साथ जाते तो फिर हम लोग चमत्कार हो जाते, चंगा हो जाते, वो तो फिर उधर ही जाते हैं। मंदिर में विश्वास होता है, लोग मंदिर जाते हैं, चर्च में प्रे करने लोग जाते हैं, लेकिन चर्च में ऐसा तमाशा नहीं होता। ये ऐसे ढोंग करने की बातें नहीं होती, आप गाइड करते हो, टीच करते हो क्या गलत है क्या सही है। बट अगर चर्च में ये चीज नहीं होता, हील अप जानते हो आप चर्च में होता है, प्रे करने के बाद होता है, तो जो बाहर पैसे लेके कर रहा है उसको प्रेज कैसे कर सकते हैं? फिर वो अंधविश्वास की कैटेगरी में क्यों ना आए? मैं इसलिए मैं उधर आई विल नॉट प्रेज सच थिंग्स, लेकिन मैं फादर दिनेश के स्टेटमेंट से बार बार कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इसको प्रेज कर रहे हैं। देखिए चमत्कार, नो मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, आपने खुलकर बोला भी नहीं कि अंधविश्वास है। मैंने कह रहा हूँ मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं वो विश्वास से आ रहे हैं, वो जो मनुष्य होकर तो फिर 120 लोग जो मर गए वो किसके विश्वास से आए थे? वो विश्वास वो 120 लोग जो मर गए चरण रज लेने के लिए, चरणों की धूल लेने के लिए एक बाबा के, वो किसके विश्वास से आए थे? देखिए अंधेरे में और रोशनी में फर्क होता है,
जो अंधेरा है, अंधेरे में मनुष्य अंधेरे में चलेगा। वो जो लोग वहां पहुंचे वो अंधेरे में थे और अंधेरे में गए, पर जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उन्होंने रोशनी को देखा। और जैसा फादर ने बोला कि वो लोग आते हैं तो वो आपने अंधेरा किसे कहा, रोशनी किसे कहा? अंधेरा मैंने उन्हें कहा जो अविश्वास में जीते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पर ये जो फादर है इसने जो अंधेरा कहा, क्योंकि जो एंकर है उसने एग्जाम्पल दिया बाबा का कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए 120 लोग मर गए, तो ये कहता है वो अंधेरा है, वो अंधेरे में जो जाएंगे वो अंधेरे में ही रहेंगे। मतलब जो बाबा लोगों के पास जाएंगे, जो सनातन धर्म में जाएंगे वो अंधेरे में ही रहेंगे, लेकिन जो अगर फादर के पास जाएंगे ना वो लोग जो अंधेरे में लोग हैं जो वहां पर उनको उजाला मिल जाएगा। ये है इनका अभी जो ये ढोंग चल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं ये लोग। आगे का वीडियो देखते हैं। पहुंच के हिलने लगे वो अविश्वासी नहीं हो सकते। नहीं नहीं, जो विश्वास लेकिन अगर कोई सत्संग या कीर्तन में पहुंचे वो अविश्वासी हो सकते, जीवन मिल जाएगा। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही है। यू आर जस्टिफाइंग, आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो कह रहा हूँ आप गलत को गलत बोलिए, फादर मैं कह रहा हूँ ऑन स्टेज में अभी आपको प्रूव कर दूंगा, आप उसको पोजीशन कभी गलत को गलत नहीं बोलेंगे। भूत आ गया, यही फर्क है क्या है? सनातन धर्म में और इन में आप बोलिए कि फिर ये भी सही है, आप ये करेंगे अभी? अगर मैं आपने अंधविश्वास नहीं कहा जबकि फादर स्टेनली ने सबसे पहले अंधविश्वास शब्द बोला। बिल्कुल उन्होंने बोला कि आपको तथाकथित से आपत्ति हो गई, से आपत्ति होगी, तो मुझे क्यों नहीं आपत्ति होगी? फादर आप क्लियर तो कीजिए, आप तो रास्ता दिखाते हैं, आप तो गाइडेंस देते हैं। हमारा मकसद वही है। हाँ तो फिर इसका मकसद कैसे हो सकता है कि इसको आप गाइड की भूमिका में कैसे देख सकते हैं? नहीं, गाइड की भूमिका में उसे नहीं देख रहे, उसे बिल्कुल नहीं देख रहे। आप लोगों ने अभी तक 3 क्लिप्स देखे, मैं और क्लिप दिखाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है ये क्या है? जोर से बोले, शायद फादर के कानों तक बात नहीं पहुंची। अंधविश्वास क्यों ऐसा लगा? मतलब मैं पूछूंगा एक एक करके मंच पे बुला के। ये सारे जो हैं, मुझे लगता है कि आप लोग सारे कॉलेज में भी बच्चे होंगे, अंधविश्वास पढ़े लिखे बच्चे, इनको अंधविश्वास लगता है। लेकिन फादर ने एक बात कही कि अगर वो कोई कुछ कर रहा है ऐसे, तो इसी तरह दुकानें चलती है, ऐसे बाहर निकलते के साथ 3-4 ऐसी दिख जाएंगे ठेले वाले जो अंधविश्वास के नाम पे बहुत कुछ बेच देते हैं। क्या आप इधर आएंगे एक बार प्लीज? ये बताइए कि ये जो अभी हमने वीडियोस देखा ये क्या था आपकी नजर में? ज्यादातर जो भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई है वो लोग स्टोरी सुन के, रेफरेंसेस सुन के आते हैं, तो दे स्टार्ट क्रिएटिंग इमेजेस इन देयर माइंड। तो स्टेप 1 इज इमेजिनेशन। अगर आप कोई चीज बार बार इमेजिन करते हो, यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, यू स्टार्ट फीलिंग इट, राइट? एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एवरीवन, क्योंकि मेरी कहानियां आप तक नहीं पहुंची हैं, तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लेना होगा, सो दैट आई कैन क्रिएट सच इमेजेस इन योर माइंड। आई एम गोइंग टू काउंट 5 to 1, 5 से 1 तक की गिनती के बाद यू विल फील डीपली रिलैक्स्ड। 5, 4, 3, 2, 1, फायर, फायर, फायर। और जैसे जैसे मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ये वर्ड अपना रास्ता अपने आप ढूंढेगा, और आपके अंदर जो भी दबी हुई एंजाइटी है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, इट विल स्टार्ट कमिंग टू द सरफेस। फायर, 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 फायर। मैं जिसके कंधे पे हाथ रख रहा हूँ सिर्फ उसके लिए ये है फायर। यू गाइस कैन ओपन योर आइज। व्हाट्स योर नेम? मैं रविंद्र, एक सेकंड, माइक। ईशा। यस। ईशा, जब मैं वो वर्ड यूज कर रहा था फायर, तो मैंने आपको सोब करते हुए देखा। यस। क्या हो रहा था? सर हार्ट बीट थोड़ा। लुक एट मी, लुक एट मी, इधर देखिए, ऐसे घूम जाइए। क्लोज योर आइज एंड ये जो कुछ भी है, जैसे ही मैं तुम्हें टच करूंगा ये और तेजी से, जस्ट क्लोज योर आइज, इंक्रीजिंग। ये जो भी एंजाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्गर, लाउडर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हार्ट बीट तेज है। कितने तेज है? वो जो डर लग रहा है, लुक एट मी। एवरी टाइम आई स्नैप इट इंक्रीजेस। You want to feel relaxed now? So close your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 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 And you are healed. You are healed. With a wonderful smile on your face, you can feel this. Right? Yes. Are you okay? Yes. Sure? Yes. क्या हुआ, क्या था? सर थोड़ा सा एंजाइटी टाइप हो रहा था। अचानक शुरू हुआ या फिर जब से तुम शो में बैठे थे उस समय से फील हो रहा था? सर ये अचानक जब सर ने किया तब से मुझे अजीब फील होने लगा। अच्छा, क्या लगने लगा तुम्हें? सर वाइब्रेशन टाइप हो रहा था और हार्ट भी तेज हो गई थी।
फादर ये क्या हो रहा था? ये खेल हो रहा था। क्या हो रहा था? जैसे सब जैसे वो हो रहा था। नहीं वो नहीं हो रहा, जैसे वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा था, ये खेल हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या पवित्र आत्मा खेल उसी के साथ है जो बिलीव करते हैं उसमें, या उनके एक्सिस्टेंस के अलावा नहीं है? वो वीडियो में क्या हो रहा था? वो बोल रहे हैं सरेआम, बोल रहे हैं वो सरेआम बोलते हैं, वो छोटी बच्ची का वीडियो पॉपुलैरिटी के लिए यूज किया गया। वो छोटी बच्ची का वीडियो सिर्फ पॉपुलैरिटी एंड फेम के लिए यूज किया गया। दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप उस बच्ची को बुला करके उसको दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, वो लड़की कह रही है कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर रविंदर की स्टेटमेंट नहीं सुनी? नहीं डॉक्टर साहब, वो बच्ची कह रही है कुछ नहीं हो रहा, जो लोग वहां के कारण कह रहे हैं ऑलरेडी स्टोरी इमेजिनेशन सब कुछ उनके फीडेड स्टेप आपने आंखों में पट्टी बांधी है तो आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकता, आपको लोने भी दे दिए। जो लोग वहां पे आते हैं वो ऑलरेडी इंड्यूस्ड होते हैं। ये है कि विश्वास करो, जैसे ही विश्वास किया आपके लॉजिक्स ड्रॉप हो जाएंगे। स्टेप आगे लेके चलते हैं, कुछ विजुअल्स और दिखाते हैं। विजय इमैनुअल का एक लड़की फांसी लगा लेती है और चमत्कार का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये विजुअल भी एक हम आपको दिखाया, और एक विजुअल भी आपको और दिखाते हैं कि चमत्कार दिखाने का खेल सिर्फ भारत में ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि अभी हम सिर्फ भारत भारत की बात करें, बल्कि उन सभी देशों में होता है जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल्स है, जो फादर थोड़ी देर पहले आपने कहा था। नाइजीरिया का एक वीडियो है ये। ईश्वरीय शक्ति और मैजिक में समानता नहीं होती, ये तो मैं कह सकता हूं ना जुम्मू साहब, आप भी मेंटलिस्ट हैं, लेकिन अगर ये मैजिक है तो इसको ईश्वरीय शक्ति का रूप देकर प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए तो शायद ये दुकान सज जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मंच पर कुछ ऐसा दिखाएं या फिर जस्टिफाई कर? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से दिखा दूं, मैं ट्रिक कहूंगा ना कि अध्यास कहूंगा, कि मेरे पास ये एक गिलास है और इस गिलास को मैं सिंपल तरीके से यहाँ रखता हूँ और ये कह देता हूँ कि साहब नेगेटिविटी यहाँ पे भी है किसी भी तरीके से, और नेगेटिविटी लाने के लिए कोई ऐसी वो चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि इसमें नेगेटिविटी कोई वो आ जाए। मेरी ये ट्रिक है, ना कि कोई मेरा कोई जादू या चमत्कार, और ये दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब इस पर नज़रें गाड़ दो, आपकी नेगेटिविटी इसमें आ जाएगी, इसमें भूत आ जाएगा, इसमें वो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग तो केवल इसको डालते हैं और इसमें छोड़ देते हैं, ना कि इसके अंदर किसी प्रकार का यंत्र है, ना कोई मेरा मंत्र है। जहां लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए या किसी तरीके से और हेल्प लेनी चाहिए, दे एंड अप रीचिंग टू दीज पंडाल्स। कैन यू प्रूव इट हियर? अभी कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप जिसको कह रहे हो कि वो आप खड़े जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, कुछ बच्चे खड़े हो जाइए, यू गेट स्केयर्ड, यू जस्ट आप बैठे रहिए, आपको अभी भी देख के मुझे वैसा लग रहा है। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी खड़े हो जाइए। ओके ठीक है, अपने हाथ ऐसे रखिए, लॉक योर फिंगर्स, क्लोज योर आइज, एल्बोज ऐसे बेंड कर लीजिए जैसे आप प्रे करते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज। इमेजिन कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं जैसे एक वुडन ब्लॉक है। आपके हाथ इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं, उंगलियाँ इतनी ज़्यादा टाइट हैं कि उनके बीच में एक पावरफुल ग्लू लग गया है। इतना पावरफुल ग्लू लग गया है कि आप उनको जितना सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा लॉक होते जा रहे हैं। आप उनको जितना सेपरेट करने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा लॉक होते जाएंगे, और जब आपको लगे कि आपके हाथ कंप्लीटली लॉक एंड स्टक हो गए हैं, आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के उनको और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करें, वो और ज़्यादा स्टक एंड लॉक होते जाएंगे। आप उसको जितना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा स्टक एंड लॉक होते जाएंगे। और अब जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँगा, एक रिलीजिंग एनर्जी आएगी, वाइट पॉजिटिव ब्राइट पावरफुल किसी सोर्स से, और वो आपके हाथों को सेपरेट कर देगी। 1 2 3 सेपरेट। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। आप और आप इधर आ जाइए, आप दोनों मेरे पास आ जाइए यहाँ पे। आपका नाम क्या है? प्राची, गिव मी योर हैंड, राइट हैंड। प्राची लुक एट मी, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड स्लीप। 5 4 3 2 1 एंड स्लीप। अलाउ योर सेल्फ टू बिकम मोर एंड मोर रिलैक्स, बॉडी बिकमिंग कम्प्लीटली लूज, स्लिम एंड रिलैक्स, एवरी मसल बिकमिंग हैवियर एंड हैवियर, एंड स्लीप, गोइंग डीपर डाउन एंड स्लीप। प्राची जैसे ही मैं आपके फोरहेड पर टच करूंगा वो एनर्जी आपकी आंखों में चली जाएगी और आपकी आंखें स्टक हो जाएंगी। मैं एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को इनवाइट कर रहा हूं, जैसे ही मैं आपके फोरहेड पर टच करूंगा आपकी आंखें स्टक हो जाएंगी। अब जितना ज़्यादा उनको खोलने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड कि वो ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं। ट्राई टू ओपन योर आइज एंड दे आर स्टक एंड स्टक। द हार्डर यू ट्राई डिफिकल्ट इट गेट्स। अब जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। इनफैक्ट आप बात कर सकती हैं मगर आप पलकें नहीं खोल पाएंगी। प्राची व्हाट्स हैपनिंग? प्राची आपकी आवाज़ यहाँ स्टक हो गई है। व्हेन यू ट्राई टू स्पीक योर वॉइस इज स्टक।
कंप्लीटली स्टक. आप जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे आवाज़ स्टक होती जाएगी. आई नो दिस इज एन एंशियस फीलिंग, और ये एंशियस फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. आई नो दिस. अब वो एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी में आ चुकी है पूरी तरह से. अब जैसे ही मैं स्टक कहूँगा आपकी वॉइस और ज़्यादा स्टक, बॉडी यहीं पर स्टक हो जाएगी, स्टक. अब मैं बाकी सबसे बात करता रहूँगा, किसी से भी कुछ भी बात करूँगा, बट दिस स्टकनेस विल रिमेन हियर एज इट इज. दिस स्टकनेस विल इंक्रीज, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा. अब आप सब लोग देख रहे हो प्राची के साथ इस वक्त क्या हो रहा है. प्राची इस वक्त एक थॉट में स्टक है, और ये अगर मुझे प्राची 10-15 दिन पहले से जानती या मेरी बहुत सारी वीडियोस प्राची ने देखी होती तो प्राची मेंटली प्रिपेयर होती. बट अभी इंस्टेंटली हमने प्राची के साथ ऐसा किया, और अब पता है क्या है, इस वक्त प्राची इतनी वंडरफुल स्टेज में है, जैसे मैं प्राची के फोरहेड पर टच करूंगा इनकी पूरी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी, पैरों का कंट्रोल एकदम चला जाएगा. लुक एट मी, लुक एट मी, व्हाट्स योर नेम? बोल पा रहे हो? प्राची. बोलने लगी. बोलने लगी. ये बोलने लगी फादर. हाँ बेटा. बोलने लगी. हाँ बेटा. क्या हो रहा था पहले? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था पहले? बोल नहीं पा रही थी. क्या हो रहा था पहले? बोल नहीं पा रही थी. क्या हो रहा था? It was something weird. बोल नहीं पा रही थी. बोल नहीं पा रही थी तुम. बहुत ट्राई कर रही थी बट कुछ निकल नहीं रहा था. मुझे लग रहा था मेरी ब्रीथ लॉक होते जा रही है. आपको 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 एक वंडरफुल चीज बताता हूँ. मैं सेम अपनी जो एनर्जी है उसका एक सीक्रेट इनको ट्रांसफर कर रहा हूँ. ओके. मैं आपको एक मंत्र लिख के दे रहा हूँ, आप इनकी तरफ देख के सिर्फ उसको पढ़ते रहिएगा, एंड वो इंस्टेंटली वो एनर्जी फिर से आप फील करेंगे इनके पास आते हुए. सो स्टे देयर. मैं एक मंत्र लिख के दे रहा हूँ आपको. देखिए ये बहुत पावरफुल मंत्र पढ़ रही हैं. इनके यहाँ देख के पढ़िए. इनफैक्ट अगर आप ऐसे घूम भी जाएंगे तो भी ये एनर्जी ऐसे ही काम करती रहेगी. और पढ़ते रहिए, तेजी से पढ़ते रहिए. पूरी बॉडी में ये जो एंटिटी, ये एनर्जी, ये आप देख सकते हो ये कैसे इसको ये प्रॉब्लम इस वक्त फील हो रही है. आवाज़ फिर से स्टक हो रही है. प्राची पूरी बॉडी में ये मंत्र जो ये पढ़ रही है उससे ये मंत्र पढ़ रही हैं. ये मंत्र पढ़ रही हैं. और अब ये मंत्र मैं सबको दिखा रहा हूँ, कैमरा पे भी दिखा रहा हूँ मैं ये मंत्र. ये यहाँ ये मंत्र लिखा हुआ है. ये मंत्र यहाँ लिखा हुआ है. और ये मंत्र पढ़ के बता दीजिए. चल छैया छैया. और जैसे ही मैं कैंसल बोलूंगा इस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा. मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को बुला रहा हूँ. मेरे विश्वास के हिसाब से जैसे ही वो एनर्जी आएगी ये एकदम से ठीक हो जाएंगी. कैंसल, यू आर हील्ड. आर यू ओके? क्या हुआ था? बहुत वापस जैसे अभी कुछ टाइम पहले. लेकिन उन्होंने नहीं किया था मंत्र, तो भाई दोस्त पढ़ रही थी. पर वापस से सी मंत्र जानना चाहती हो क्या? मंत्र बताना एक बार फोन माइक पे. बताइए. बताओ, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ. सर ये पहले मेरे को पढ़ के थोड़ी हंसी आई बट देन ठीक है. आप बताइए मंत्र. ये चल छैया छैया चल छई छई. She is created everything in her mind. There is no power in me, not even her, not even in this mantra. अब एक question. This is the power of faith and belief and विश्वास और अंधविश्वास का एक ही है. रविंद्र, जब विश्वास logics के beyond खत्म हो जाता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है. This is the only difference हम बात कर रहे हैं. अब फादर दिनेश, अब मुझे जरा ये बताइए कि अगर यहाँ पे ये किसी गॉड का नाम लेके अगर ये करता तो उसको बिलीव करने वाले हो सकता था कि 25 जो बैठे हैं वो मान लेते कि हाँ कुछ ऐसा चमत्कार भगवान की तरफ से हो गया. आप में से कितने लोग उत्सुक थे ये मंत्र जानने के लिए कि ऐसा क्या किया इसने? आप में से कितने लोगों को लगा एक गाने का एक टुकड़ा मुखड़ा और आप में से कितने लोगों को लगा था ये बहुत ही पावरफुल कोई मंत्र है? ये देखिए, ये बिलीव, ये विश्वास हो गया ना फादर. यही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना आपके फॉलोअर्स उसको सुनते हैं, और इसी वजह से मैं तो इसलिए चाह रहा था कि आप लोग उस पर कम से कम पर्दा उठा के बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, गॉड इज देयर, बट ये नहीं होता. मैं तो ये बिलीव कर रहा था. हाँ फादर बोलिए प्लीज. हमने कहा कि विश्वास जब इंसान के अंदर डाला जाता है तो कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है. ये बच्ची नहीं जानती, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर हो रहा है, विश्वास डाल रहा है. उसने विश्वास किया, उसकी स्टक हो गई क्योंकि उसके अंदर विश्वास डाल दिया. विश्वास से संभव है. और जो उसे कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई जो डॉक्टर साहब हो सकता है अगर विश्वास से आएंगे तो. आप मुझे एक ऐसा कह दीजिए, मैं कह रहा हूँ ये जो इन्होंने बताया ये ट्रिक है, ये एक हिप्नोटिक. मैं तो कह रहा हूँ ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है, मगर उन्होंने विश्वास डाला नहीं तो बच्ची स्टक हुई. अलग है माइंड ब्रेन, अलग है ब्रेन. हम विश्वास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेडिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. किसको अगर आर्थराइटिस है वो कैसे ठीक हो जाएगा? किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, साइंस से संबंधित व्यक्ति है, आप मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, आप साइंस से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, आप मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. आपसे एक सवाल करता हूं. हां पूछिए. आपका विश्वास है किस पे? विश्वास करते हैं आप? हां किसी चीज पे विश्वास करते हैं? किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी भगवान पे विश्वास करते हैं? अगर भी नेचर है, मुझे दिख रहा है कि कोई क्रिएटर है, इसीलिए मैं इसीलिए किसी चीज पे लॉजिक मेरा वो है विश्वास का. और किसी चीज पे नहीं करते? किसी चीज पे नहीं करते. हां आपने हाथ में डोरा बांधा हुआ, किस चीज का बांधा हुआ? अरे ये तो मैंने फैशन के लिए थोड़ा बांध दिया है, और ये आजकल मैं गिफ्ट भी करता हूं. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग रोहित, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, बट आई एम सॉरी. पब्लिक को पागल बनाने के लिए मैंने फैशन से बांध लिया. अरे मैंने अपने इतने फ्रेंड्स को एक ग्रिफ्ट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बट ये मैं आपको बताऊं इसके लिए कोई पूजा नहीं करी, कुछ नहीं करा, ये मैंने सीधा मैंने दे दिया प्रमाण. पर मैं आपको दूसरे लेवल पे लेके चाहता हूं. अब ये मैंने मोंगा पहना हुआ है, किसी भी लेवल पे ले जाओ. अब ये मैंने मोंगा पहना हुआ है, सुनिए. अब ये विश्वास है कि आप ये पूछिए मेरे से, अब ये अंधविश्वास है आपका.
ये मेरा विश्वास नहीं है, किसी और का विश्वास है, तुम पहन लो, मैंने पहन लिया तो मैंने पहन लिया। अगर मेरे अगर मेरी फैमिली में किसी ने कहा पहन लो, उनको खुशी मिलती है, मैंने पहन लिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कर्म छोड़ दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरनाइट चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। कर्म आपकी रोजी रोजगार है, मतलब आपका कर्म आपका रोजी रोजगार है, ऐसा भी तो मैं आप छोड़ बेवकूफ बना रहे हैं बेटे। डॉक्टर साहब हैज गॉट अ पॉलिश्ड बिलीफ, द अदर पीपल हैव गॉट अ अनपॉलिश्ड बिलीफ, वही चीज। एक बार पहले ऑडियंस एक भी देखिए, हां कुछ कहना चाह रहे हो क्या, विश्वास लिख रहे हैं कि हाथ में धागा क्यों माने। मैंने अभी ये जो पादरी है, ये जो फादर है, इसने हिंदू धर्म के बिलीफ के ऊपर जो विश्वास है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। हम लोग कलावा बांधते हैं और बहुत सारे लोग जो है अंगूठियां भी पहनते हैं, और ये फादर ने भी अपने गले में वो क्रॉस वाला लगाया हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम अंधेरे में हो। हम ऐसा नहीं कहते, हम किसी को क्रिश्चियंस को या किसी भी नॉन रिलीजन जो पर्सन है, अदर रिलीजन पर्सन है, उसको ये नहीं कहते कि तुम अंधेरे में हो, हम ये नहीं कहते। वी रिस्पेक्ट देयर बिलीफ सिस्टम, यही फर्क है सनातन धर्म में और इन तथा कथित ये फादर्स बने बैठे हैं दुनिया में, यही फर्क है। आगे वीडियो देखते हैं। बन रखा है, मैं यहाँ पे मुंगा पहना हूँ, पुखराज तीनों पहना हूँ, ये मेरे माता पिता की संस्कृति का जो घोड़े की नाल भी पहन रखी है, बता रहा हूँ सर, ये मेरे संस्कृति और जो धर्म का मानता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके धर्म में ये होना ट्रेडिशन है? देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि कैथोलिक में ये नहीं, सर आपने कहा आप अपने धर्म की बात, मेरे को बोलने दी प्लीज, आप बार बार ये स्टेटमेंट रिपीट मत कीजिए कि मैं अपने शब्द दे रहा हूं, पहले मैं फादर बता चुका हूं, फादर मैं कह रहा हूं इसलिए बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, आज स्टेटमेंट आप दूसरी बार दे रहे हैं, आप अपने धर्म दूसरे धर्म क्यों कर रहे हैं? आप अपने धर्म, आपने भी कहा, आपने भी कहा, डू नॉट ट्राई टू जज एनी रिलीजन, ये ट्रेडिशन से सर वो ये अपना ओपिनियन दे रहा है, जैसे आपने अपना ओपिनियन दिया ना कि वो जो कर रहा था, वो जो बिशप कर रहा था, वो उसका ट्रेडिशन है, वो सही है। आप दूसरे धर्म को कंपेयर मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, मनुष्य कोई भी मनुष्य कर सकता है, आप अपने उस पोस्चर को जस्टिफाई कीजिए, आप दूसरे धर्म को नहीं, 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 मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है, आपको आपत्ति है तो आप उस ढोंग को बंद करवाइए, नहीं मुझे आप उस ढोंग को बंद करवाइए, आप उस ढोंग को बंद करवाइए अगर आपको आपत्ति है तो, बट आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आप ढोंग कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, आप उस ढोंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उस ढोंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। सरकार ने बना कर रखी है, हॉस्पिटल बना कर रखा है, क्यों बना कर रखा है, उसको बंद कर दे और ये पादरी सो कॉल्ड बाबा जो मौलवी हैं इनको बोल दे जाके आप कैंप में बैठ जाएं, ये सब दवा करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। तुमसे बात हो गई, हाँ बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, विश्वास या अंधविश्वास? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सर मुझे तो टोटली अंधविश्वास लगता है, सर मुझे बस इतना ही कहना है, जो ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है सर, लोगों का अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अब हम किसी को टोक नहीं सकते। अब जो सिख लोग हैं वो लोग पगड़ी पहनते हैं, और जो सनातनी लोग हैं वो धागे बांधते हैं, पंडित लोग चोटी रखते हैं। सर आप लोगों ने भी देखिए अपना अलग फादर है, आप लोगों ने अपना यूनिफॉर्म अपना अलग ड्रेस पहन रखा है सर, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, वो ट्रेडिशन है। बट ये जो वीडियो है ये अंधविश्वास है सर, इस पर हम कैसे भरोसा कर लें? ये बच्चे कह रहे हैं, फादर स्टेनली एक प्रश्न है मेरा, प्लीज़ कि आप उसका जवाब देंगे। ये बच्चे कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है हम ट्रेडिशन पे प्रश्न नहीं उठा रहे, हम एक सेकंड फादर स्टेनली से मेरा प्रश्न, उसके बाद फादर दिनेश आपके पास आऊँगा। मुझे इतना बता दीजिए क्या ये ट्रेडिशन है? हाँ देखिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन ऐसा ट्रेडिशन हमारे जो ऑन जो मेन लाइन चर्च है वो तो इसको बढ़ावा नहीं देते, नहीं देते ना, नहीं देते। एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ सर, आप क्या कहते हैं ऐसा ट्रेडिशन है? नहीं नहीं एक्चुअली वही तो मैं बता रहा, जो मेन लाइन चर्चेस होती है वो कभी इसी तरह के पाखंडादा को, आई एम यूजिंग द वर्ड पाखंडादा को प्रोत्साहन नहीं देते। मैं तब तक एक वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे चमत्कार की दुनिया बनती है, और इसे समझने के लिए भी हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो अभी देख रहे हैं ये क्लेशिया चलाने वाले वेस्ट अफ्रीका के कथित पास्टर जॉन एनोसिक का, और तब का है जब वो भारत आए रोहित जी। दरअसल चमत्कार दिखाने वाली परंपरा पूरी दुनिया में फैली, और इसी चमत्कार के दम पर भारत में भी कुछ स्वघोषित प्रॉफिट बन गए, और वो यही सब कहते हैं कथित प्रॉफिट बजिंदर सिंह का। ये वीडियो देखिए जिसमें लड़की के अंदर वो सांप की छाया दिखाते हैं। पहलू ये है कि जो रविंदर ने भी थोड़ी देर पहले किया, उस बच्ची की आवाज़ ऐसा लगा लॉक हो गई, वो अगर वो माइंड हीलर के तौर पर वहाँ पे वो सो कॉल्ड प्रॉफिट कर रहा है तो इसे चमत्कार हम क्यों कहें, और क्यों ना इसे हम आडंबर की श्रेणी में रखें, ये समझना है। रविंदर कुछ कमेंट करना चाहते थे, फाइनल कमेंट आप कमेंट नहीं, इफ यू इफ 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 हैव 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट में कुछ और परफॉर्म। हां हां प्लीज 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 ओके, कोई लास्ट कोई आप में से कोई आना चाहता है? हां आप आ जाओ, वो बेचारा 3 बार हाथ उठा चुका है।
आपका नाम क्या है? ये माइक पकड़ लो, अपना नाम माइक पे ही बताना जो प्रश्न पूछे। मेरा नाम पवन है। पवन, पवन माइक मुझे दे दो, ये पकड़ लेंगे सर आप। पवन मेरी तरफ घूम जाओ, दोनों हाथ ऐसे करो, ओके ऐसे घूम जाओ ऐसे, ओके ये हाथ नीचे, आंखें बंद। पवन आपको लाइटर की यहाँ ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रही, हाथ के नीचे ज़्यादा तेज़ लग रही है? बता दिए पहले लाइटर की तेज। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, छोड़ दो छोड़ दो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसको देखो। उसको गर्मी महसूस हुई अपने हाथ में, वाह जी वाह। लाइटर तो वहां जल पवन, इसमें गैस ही नहीं है, अब ये काम नहीं करेगा। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1 स्लीप, गोइंग डीपर डाउन एंड स्लीप, गोइंग मोर एंड मोर डीपर, अलाउ योर सेल्फ टू बिकम मोर एंड मोर डीपर एंड स्लीप। मैं तुम्हारा चश्मा उतार रहा हूँ, गो मोर एंड मोर डीपर, बॉडी कंप्लीटली लूज लिम्प एंड रिलैक्स, बॉडी बिकम डीपली डीपली रिलैक्स्ड। ये रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हुए पैरों में आ रही है, एंड योर लेग्स आर बिकमिंग कंप्लीटली लूज लूज डीपर डाउन एंड डाउन। मैं तुम्हें प्रॉपर हील करने के लिए और ज़्यादा डीपर स्टेट में ले जा रहा हूँ, and I'm going to put you on the ground and that's okay. Loosen up all the muscles, going deeper down and sleep, going deep down, allow yourself to become more and more relaxed, deeper down and sleep, going deeper down, completely sleep, going deep down and sleep. Pawan, aaj se pehle tumhe jo bhi problem thi, particularly wo ek issue jo tumhe lagta hai tumhari life mein incurable hai, ek aisa issue jo tumhe lagta hai ki baar baar tumhari life mein ho jata hai, har baar recreate ho jata hai, ek problem, ek particular disorder jo tumhe lagta hai ki baar baar tumhari life mein ho jata hai, wo aaj khatam ho raha hai, वो आज इसी वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आ रही है और वो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे सर से होते हुए तुम्हारी पूरी बॉडी में आएगी। और हो सकता है कुछ सेकंड के लिए तुम्हें अनईजी फील हो, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए तुम्हें अनईजी फील हो, ये हाथ यहाँ पे स्टक हो जाएगा, ये हाथ यहाँ एज इट इज़ स्टक रहेगा, तुम इसको जितना नीचे करने की कोशिश करोगे ये उतना ज़्यादा स्टक हो जाएगा, और ज़्यादा स्टक हो जाएगा, ये लेग यहाँ एज इट इज़ स्टक रहेगी, तुम इसको जितना नीचे करने की कोशिश करोगे, मेरी आवाज़ के अलावा जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये स्टकनेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जैसे ही मैं कहूँगा 1 2 3 तुम हील हो जाओगे, ये हाथ पैर नीचे चले जाएंगे, 1 2 3। पवन, आज इस मोमेंट के बाद से तुम फील करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाइफ के उन सब चैलेंजेस को लेके बढ़ गया है, तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, तुम अपने टारगेट की तरफ जो भी टारगेट डिसाइड करोगे उसमें और तेज़ी से आगे बढ़ोगे, डे बाय डे इन एवरी वे यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील पावरफुल एंड यू विल फील स्ट्रॉन्ग। और मैं 1 से लेकर 3 तक की गिनती गिनूंगा, तुम अपनी आँखें खोलोगे, 1 2 3। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, क्या हुआ, गहरी नींद में थे क्या? क्या हुआ? हाथ, सबसे पहले हाथ ठीक है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, वो हाथ जल रहे थे क्या? लाइटर तो तुम्हें सटाया भी नहीं गया था। पूछ लो किसी भी फ्रेंड से, पूछ लो, फादर्स बैठे हैं, पूछो किसी को। चश्मा दे दीजिए एक बार इनका। अब ठीक हो ना? पवन के बराबर में खड़ा होकर जब मैं लाइटर बार बार क्लिक कर रहा था तो इनका माइंड एंटिसिपेट कर रहा था कि साउंड मेरे हाथ के नीचे से है, जैसे ही मैंने पूछा क्या हाथ के नीचे हीट है, सेड यस, बिलीव क्रिएट हो गया। स्टेप वन था इमेजिनेशन, स्टेप टू बिलीव। ठीक है रविंदर, और शायद यही हमारी कोशिश भी है। यही सब होता है इन क्रिश्चियन, जो ये जो सो कॉल्ड इनको पादरी बोलते हैं या इनको पास्टर बोला जाता है, और ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ऐसी ही ट्रिक्स करके। ये जो न्यूज नेशन में जो ये आपको पूरा ये बताया गया कि किस तरह से ये लोग तरह तरह की ट्रिक यूज करते हैं लोगों के ऊपर हिप्नोटाइज करके, और फिर उस ट्रिक के बेस पे लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, क्रिश्चियन बनाया जाता है। आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी बाबा एक्सपोज होते हैं तो हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो भी उनका विरोध करते हैं, वो बोलते हैं नहीं ये गलत है। हम जैसे लोग भी विरोध करते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसे आडंबरों के लिए, ऐसे पखंडों के लिए कोई जगह नहीं है। इवन हमारे तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो वेद निंदा करता है वो पाखंडी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेद यानी कि धर्म की किताब, धर्म की किताब यानी कि वो ऐसी किताब है जिसमें मतलब रिलीजन के बारे में लिखा हुआ। नहीं दोस्तों, वेद का मतलब है नॉलेज, ज्ञान, साइंस, विज्ञान।
विज्ञान की सारी चीजें हैं जो है वेदों में है, वेदों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अवैज्ञानिक है। वेदों के जो संस्कृत के ट्रांसलेशंस हैं वो जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र जो है वो वहां पर प्योर 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 विज्ञान लिखा हुआ है। वहां पर जो आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है, गंधर्व वेद के बारे में लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र है, पूरे के पूरे जितने भी वेद पढ़ोगे उसमें रसायन के बारे में लिखा हुआ है, बायोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। और वेद का मतलब ही ज्ञान और नॉलेज है, और जो ज्ञान का विरोधी है वो पाखंडी है। ये हमारे जो शास्त्रों में आता है, जो आप गूगल पे जाइए पाखंड का शब्द का जब मीनिंग ढूंढोगे तो वहां पर यही मिलेगा आपको कि जो वेद विरोधी है वो पाखंडी है, यानी कि जो ज्ञान के विरोध में कोई चीज कर रहा है यानी कि वो पाखंडी है। तो यानी कि हमारे धर्मशास्त्र कभी भी ऐसे अडंबरों को, पाखंड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लोग कन्वर्जन के लिए इन सब चीज़ों का जो यूज करते हैं, और टीवी पे जितने भी बाबा लोग एक्सपोज होते हैं सनातन धर्मी, उनका उसको जो है वो नहीं ओन करते। लेकिन अगर कोई मौलवी या कोई पादरी या ऐसा पास्टर जब एक्सपोज होता है तो ये क्रिश्चियन लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं ये ठीक कर रहा था। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी जो मोहनदास करके जो ये फादर हैं उन्होंने ऐसा ही किया, जो दिनेश दास करके जो ये फादर थे इन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे ये तो खेल है, लेकिन वो खेल नहीं है। जो बोलने लगी वाला जो ड्रामा हुआ, बहुत वीडियो वायरल हुआ उस पे कि मेरी बहन बोल नहीं सकती थी फिर वो बोलने लगी, लेकिन ये फादर कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये ढोंग है। क्योंकि ये लोग पैसे कमाने के लिए सब चीजें करते हैं, वो चाहे कहीं भी हो उसको खुलकर उसका विरोध करना चाहिए। ये सारा जो खेल है वो ओन होता है इनके चर्चों से, वहां से ऑर्डर आते हैं कन्वर्ज, और गरीब लोगों को ही टारगेट किया जाता है। ये भी हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है गरीब लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, अनाज देकर उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उनको नौकरी का झांसा देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। कन्वर्जन का ये पूरा का पूरा खेल चलता है। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये तो दिनेश दास करके उन्होंने खुद भी कहा कि भैया वहां पर वो अंधेरे में थे तो अंधेरे में चले गए, अगर 120 लोग किसी बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मर गए तो ये कह रहा है वो अंधेरे में जा रहे थे तो अंधेरे में ही मर गए। तो मतलब दूसरे का जो भी बिलीफ है, फेथ है, वो इनको अंधेरा ही दिखता है। बोलते यीशु की शरण में आओगे तो आपको उजाला मिलेगा और वहां पर अंधेरा है। ये क्यों नहीं कहते कि आप सही चीज का ज्ञान लो। बाइबल अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है कि धरती पहले बनी है, सूर्य बाद में बना है, और सूर्य और चंद्रमा जो है वो दो बिंदु हैं जो धरती के चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य धरती का चक्कर लगा रहा है, मतलब ये इनका बिलीफ सिस्टम है। उसको कभी भी एक्सपोज जो ये नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों आप इनके झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। ये जो कन्वर्जन का जो धंधा करने वाले लोग हैं जो आपको कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमारे देश में ये लगभग काफी टाइम से होता आया है। अंग्रेज भी मिशनरीज की तरह ही भारत में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कन्वर्जन करा, मुगलों ने भी कन्वर्जन करा, और अलग अलग सेक्ट हमारे देश में बन गए हैं, और आज सब लोग भ्रमित हो गए हैं। और सही राह में, सही दिशा में लोगों को जो ले जाने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो हमारे इस चैनल का भी यही मकसद है कि लोगों को ऐसी चीजों से अवेयर करवाया जाए और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आप खुद रिसर्च करो। मैं कहता हूँ किसी को फॉलो मत करो, आप खुद रिसर्च करो, खुद समझो चीजों को, खुद कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करो, तो आपको सब साफ साफ समझ में आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पर मैं लेकर आता रहूंगा जो भी धर्म को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।